प्राउड करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं, तो इससे ज्यादा और बार क्या प्रूव करते रहे। बार बार कितनी बार हम लोग बोल चिल्ला चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है, तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील, आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप, आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना। मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही। मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको एक कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आप आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आर्यन खान के मामले में विवादित, जो फरार चल रहे हैं, उनकी जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उनको उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, और क्या कहेंगी इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो